कह रहे हैं कि यहाँ से खाली करो, नहीं तो बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारा सामान सारा दबा देंगे। खाली कर दिया, अब क्या करें, रोड पे सारा सामान पड़ा, छोटे छोटे बच्चे मेरे, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, बूढ़ा बड़ा मेरा आदमी है। हमें इन्फॉर्म तो कराया था, चलो इन्फॉर्म भी नहीं करा, आप कम से कम टाइम तो बढ़ा दो कि हम ताकि कुछ कर सके, कुछ समझ सके, कुछ बता सके किसी को, भाई हमारे साथ ये हो रहा है। बोर्ड आने वाला है, इन लोगों को थोड़ा भी होना चाहिए कि बोलते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ मकान है। अभी झुग्गी टूटेगी मैम, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा, इस झुग्गी को मैं बेशक मर जाऊँगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। जाएंगे तो नहीं, तुम्हारे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। दिल्ली में आजकल बुलडोजर चल रहा है और ये बुलडोजर चलते चलते ओखला फेज 2 के जेजेजी कॉलोनी में पहुंच चुका है। अभी इन लोगों को जो है एमसीडी द्वारा नोटिस आया था और कहा गया है कि इन लोगों को अपने घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राम मरोती अंजाना। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं 1980 से रह रहा हूँ। कब नोटिस आया था? है जी? नोटिस कब आया? नोटिस परसों आया। क्या बोला जा रहा है, क्यों खाली करने के लिए कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि यहाँ से खाली करो, नहीं तो बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारा सामान सारा दबा देंगे। कारण बताया इसके पीछे का? कारण ये बता रहे हैं, फैक्ट्री वाले जो है ना, ये इन्होंने इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है फैक्ट्री वालों को। हाँ, ये कॉलोनी तो काफी समय से यहाँ पर है ना? ये 1980 से जी, ये बोर्ड देखो आप, बीपीसी के जमाने के जब प्रधानमंत्री थे तब से हम लोग यहीं हैं। क्या सिर्फ इसी कॉलोनी को नोटिस आया या और भी झुग्गियों को गिराने का नोटिस? पीछे हमारे पीछे ब्लॉक में आया, वो कल वहाँ तोड़ा है। इससे पहले कभी आया था ऐसे, कभी आपत्ति जताई थी? अभी तक हमारे यहाँ कभी नहीं आया। यहाँ पर फैमिली कितनी रहती है? यहाँ पर करीबन 2,500-3,000 लोग रहते हैं। लोग क्या यहाँ पर खाली करना शुरू कर दिया लोगों ने? ऐसा है ना, पल्ली तरफ अभी कल बुलडोजर चलाया, उनको सामान निकालने का टाइम नहीं दिया गया और सारा सामान उनका तोड़ दिया। हमें बोल दिया कि हम सोमवार को आएंगे, या तो सामान निकालो नहीं तुम्हारा सामान वगैरह सब तोड़ देंगे। सीधा सोमवार को यहाँ बुलडोजर एक्शन? हाँ, सोमवार को कह रहे हैं। तो लोग बेचारे बार बार सामान निकाल रहे हैं, बच्चे के हमारे सब खाली कर रहे हैं। हाँ, अब ये देखो आपको बिल्ला भी दिखा रहा हूँ मैं, ये सभी झुग्गी वालों के पास हमारे पास पैन कार्ड है, आई कार्ड है, राशन कार्ड है, और हमारे पास सबके पास मीटर लगे हैं, बिजली के बिल भरते हैं बराबर, सारे बराबर वोट देते हैं गवर्नमेंट को सारे लोग। आपका नाम? गीता। कब से रह रही हैं? इंदिरा गांधी जब मरी थी तब हम यहाँ थे, काफी समय से रह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर नोटिस वगैरह कब मिला था, कब पता चला आपको यहाँ बुलडोजर? बाद में बोल रहे 3 दिन के बाद तोड़ेंगे, कल परसों लगा था। क्या करेंगे अब, आप खाली कर रही हैं यहाँ से? खाली कर दिया, अब क्या करें, रोड पर सारा सामान पड़ा, छोटे छोटे बच्चे मेरे, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, बूढ़ा बड़ा मेरा आदमी है, बच्चों की पढ़ाई के समय से बसी पड़ी है यहाँ, तो आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी है। लेकिन दिल्ली में सातों की सातों सीट बीजेपी के अंडर में आई है, तो जो राज्य सरकार है वो केंद्र को बदनाम करने के लिए उसको हराना चाहती है, ताकि दिल्ली के लोगों में ये भ्रम आए कि बीजेपी यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर कल हाई कोर्ट का ही फैसला आ गया ना कि यहाँ पर बुलडोजर? हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन ये सब मिली भगत है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले भी से क्यों नहीं फैसला आया था ये? तो जभी तो जभी जब 1980 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 1980 से वोट दे रहे हैं। हमारे पहले विधायक कौन थे? सबसे पहले रामवीर थे, उसके बाद आए थे राम सिंह नेता, आए थे यहाँ पर। बिजली का कनेक्शन वगैरह भी सब? बिजली के मीटर दिखा दूँ आपको, सबके घरों पे लगे हुए, देख लो बिल वगैरह भी आता है जी। हर मंथ हम बिल पे करते, वोटर आईडी भी बना, सब कुछ बना हुआ, वोटर आईडी, राशन कार्ड सब कुछ मिलता है, पानी वानी सब है यहाँ पर हमारा। नेता यहाँ पर वोट मांगने आते हैं? यहाँ पे कल यहाँ पर टूटी थी, तो यहाँ के जो MLA सैराम पहलवान जी वो आए थे, बस वो आके यूँ कह रहे कि यहाँ पे बीजेपी की वजह से सरकार, आपने सातों की सातों सीट उनको जिता दी, इसलिए टूट रही है यहाँ पर। वो लोगों के मकान टूटे जा रहे हैं, तब भी वो वोट बैंक बनाए जा रहे हैं, ना वो कुछ एक्शन ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इन लोगों को जब झुग्गी टूटती है MLA वगैरह के पास, 15-20 दिन पहले उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको अगर कोई ऑप्शन उठाना है, लेकिन उन्होंने NOC पर साइन कर दिया, उन्होंने कोई मतलब नहीं था। और इन लोगों को केवल 2-3 दिन रह गए, तब जाकर बताया जा रहा है कि तुम्हारा मकान घर जो भी टूट रहेगा। संडे पड़ गया, संडे सैटरडे कोर्ट बंद है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, केस भी चल रहा होता। हमें इन्फॉर्म तो कराया था, चलो इन्फॉर्म भी नहीं करा, आप कम से कम टाइम तो बढ़ा दो अब कि हम ताकि कुछ कर सके, कुछ समझ सके, कुछ बता सके किसी को, भाई हमारे साथ ये हो रहा है। नेता की तरफ से कोई आश्वासन वगैरह, कोई मदद भी नहीं मिली? कोई आश्वासन नहीं, मैं यहाँ पे हमें दिखाई नहीं गया। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, स्थानीय हमारे जो MLA साहब है सैराम पहलवान जी है, अब वो ही अपने वकील को भेजेंगे, क्योंकि उनके पास ही पहले नोटिस आया होगा कि हम आपके क्षेत्र में ऐसी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, उन्होंने NOC पे साइन वगैरह कर दिया होगा, उनके
इसलिए ये लोग क्या कहते हैं बुलडोजर लेके आ गए। आंटी आप क्या कहेंगे अब अगर यहाँ से खाली करते हैं तो अब इसके बाद क्या क्या कहाँ जाएंगे क्या करें? अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रही बात। बाहर रोड पे पड़ा सारा सामान, छोटे छोटे आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी मैं भी इससे रह रही हूँ। मुझे तो बचपन बीत गया मेरा, यहाँ पे 25 साल हो गए। आई थिंक इससे पहले कभी MCD का कभी नोटिस आया और कभी बोला हो खाली करने के लिए? हाँ पहले मतलब नोटिस वगैरह आते रहते थे, वो सर्वे के लिए आए थे तो उस टाइम पे तो मतलब सर्वे हुआ था तो ये कहा था कि मतलब दूसरा फ्लैट वगैरह देंगे इस वजह से सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सीधा नोटिस आया तोड़ने के लिए अलॉट की गई है कि यहाँ से खाली करके उधर जाना? कुछ अलॉट नहीं की गई, कुछ भी नहीं दिया गया यहाँ पे। और कोई सरकार की तरफ से आपको आश्वासन वगैरह दिया? कुछ नहीं दिया है, वो सारे ऐसी है सारे। यहाँ पर बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं पढ़ते हुए, आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ जी मेरा यहीं बचपन बीता है। देखो आज अब हमारा बोर्ड आने वाला है, इन लोगों को थोड़ा भी होना चाहिए कि बोलते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ मकान है? एक तो पहले फीस बढ़ा दी इन लोगों ने बोर्ड की, बोर्ड एग्जाम आ रहे बच्चे कहाँ जाके रहेंगे, ना तुम रहने का घर दे रहे हो और है भी तो जिसके पास वो इतनी दूर दूर रह रहा है वो कैसे आके रहेंगे, कैसे आके बोर्ड देंगे अपना? ये सारे मिली भगाते जितनी ये कंपनी है सबने अपनी रिश्वत खा ली है, कोई किसी का नहीं देख रहा कि किसी के बच्चे का स्कूल बर्बाद हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे। कुछ तो महिला ऐसी है जो अभी उनकी डिलीवरी के टाइम में वो कहाँ जाके रहेंगे? ये किस चीज़ का इंसाफ है? कहाँ गई राजनीति इनके? BJP सब खा के बैठ गया है, राजनीति कहाँ गई? कहाँ गई पॉलिटिक्स? किसे बोलते पॉलिटिकल? ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देख रहे हैं सारे स्कूल से हैं, अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया, पैकिंग चल रही है कि हाँ हमें कहीं जाना है रहने, स्कूल बर्बाद हो रहा है, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ। ये कौन सी बात होती है? कहाँ बेटियाँ पढ़ रही हैं? ना तुम बेटी को सेफ कर रहे हो, तुम घर द्वार भी छीन ले रहे हो उनका, ये कोई बात होती है? या तो कहीं पलायन करना होगा आपको, ये आप ही यहाँ से जाने वाले हो? जी यहीं से जाने वाले। अब बोर्ड आ गया, पेपर की टेंशन है, घर की टेंशन है, यहाँ पे सब रिक्शा वगैरह चलाते हैं, कोई रेंट क्या देगा? बंदा 10,000 कमाने वाला वो 8,000 रुपये सैलरी देगा तो वो 2,000 में क्या करेगा? बच्चे भी पालने हैं, उनको खाना वगैरह भी, कपड़े वपड़े, ये थोड़ा तो सोचना चाहिए। ये पॉलिटिकल बस ऐसी है कि हाँ रिश्वत खाई, रिश्वत लेके सीटें जीत ली, हमारे केजरीवाल को ही बंद कर दिया, बिजली बिल सब फ्री है, तब भी एजुकेशन को ऐसी तैसी करके रख दिया, कोई कुछ नहीं हो रहा। लोग जब ये पलायन करने के लिए आपको बोल दिया गया तो एजुकेशन पे कैसे असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा मैम, यहाँ से स्कूल पास पढ़ते हैं, पता नहीं है कहाँ रहना है कहाँ नहीं, दूर पड़ेगा, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, आजकल तो सबको पता है कि क्या चल रहा है, यहाँ के अलावा कुछ है भी नहीं। यहाँ से पास पढ़ते हैं ठीक है, जल्द स्कूल 8 बजे का, घर से लेट उठे कोई बात नहीं चले गए, और इतने क्राइम चल रहे हैं आपको तो पता ही होगा कि गर्ल्स के साथ क्या क्राइम चल रहे क्या नहीं चल रहे, छोटे छोटे बच्चे, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, इतना समझना चाहिए इन लोग को। मैम एक बात बताओ, हम गरीब आदमी हैं, हम सब गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? हम दो हम दो वक्त की रोटी कमाने के लिए खाते हैं, इज्जत की कमाते, इज्जत की खाते, सर हमारे इज्जत का घर है, हम जब हम पहले से रहते हैं सर, हमें ना कोई नोटिस दिया गया ना हमें, हम जब पहले यहाँ पे जब बसने आए थे सर वहाँ पे किसी ने कुछ बोला, कोई ऑप्शन नहीं उठाया, और अब झुग्गी तोड़ रहे हमारी। विधायक आया यहाँ पर आपकी मदद करने, आश्वासन देना? हाँ जी सायराम पहलवान जी आए थे, उनको लगे उनकी तरफ सायराम जी पहलवान जी आए, उन्होंने विरोध करा उन झुग्गी तोड़ने का, उन्हें भी हमारे उन्हें भी थाने ले गए पुलिस वाले। क्या आप लोगों पर कोई लाठी चार्ज वगैरह भी हुई है? नहीं हमारे पे नहीं हुई, लेकिन उधर जो झुग्गी टूटी है ना उधर के साइड, हमारे पीछे वाले कैंप के साइड, उधर लाठी चार्ज हुई है लेडीजों के साथ, बाल पकड़ के खींचा गया है, लड़के का हाथ तोड़ दिया, और सायराम पहलवान जी के लड़के के हाथ में डंडा मार के हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया है। और हम गरीब आदमी सर एक बात बताओ, हम अगर ये कभी झुग्गी टूटेगी मैम, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा इस झुग्गी को, मैं बेशक मर जाऊंगा मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने नहीं जाऊंगा, चाहे कितनी भी फोर्स आ जाए, चाहे कितनी भी मिलिट्री आ जाए, मैं किसी को कुछ नहीं समझूंगा अपने घर के सामने। मैम हमारा ये स्वर्ग है, हम स्वर्ग छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ, मैम एक बात बताओ, हम यहाँ से छोड़ कर जाएंगे हम पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ? हमारे आधार कार्ड राशन कार्ड पे भी यहाँ का एड्रेस है मैम, हमें वहाँ जाएंगे हम, वहाँ पे हमें बहुत दिक्कतें होंगी मैम, एक बात बताओ, ना हमें कोई टाइम दिया गया ना कोई हमें नोटिस दिया गया, बस दो दिन एक दिन पहले आए नोटिस चिपका गए, बोल दिया कि झुग्गी खाली करो नहीं तो जबरदस्त स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ जी दसवीं क्लास, दसवीं में मैम, आपके तो बोर्ड्स हैं मैम, दसवीं के बोर्ड्स, अब क्या करें मैम, क्या पढ़ाई में असर पड़ेगा मैम, पढ़ाई में असर करेगा, फेल हो जाएंगे, एक साल ऐसी बर्बाद जाएगा, क्या करेंगे छोड़ो, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम गरीब बच्चे पढ़े चाहे बर्बाद होए। यहाँ पर सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वहाँ पर ऐसे घर तोड़े जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये सब राजनीति होती है, वोट लेने की होती है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कितने परिवारों की बसावट है इधर, कितने लोग रहे? और मैम आप
खुद देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ चले जाओ, करीबन यहाँ पर 2-2.5 हज़ार झुग्गी हैं। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर तक चले जाओगे आप, झुग्गी झुग्गी हैं। कितने सालों से यहाँ लोग रहे? 1980 से रह रहे मैम, और आपके सबूत दिखाया भी आपको हमने, बीपी सिंह के ज़माने से, जब वो प्रधानमंत्री थे तब के कार्ड है हमारे पास। सर आपका नाम? हमारा नाम है शिवजी दुबे। कब से रह रहे हैं? मैं 1993 से, 1994 में इंदिरा गांधी, श्री इंदिरा गांधी मरी थी तो मैं यहीं पर था। मतलब जब से आप रह रहे हैं कभी कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत आज तक हमारी नहीं आई है, न कि कोई नोटिस दिया है, न कोई आया है, न कोई तोड़ा है। केंद्र सरकार, बच्चे हम लोग का यहीं हुए, हम 5 लड़की हमारे पास है, 5ों को पढ़ाना और 5ों को रोटी देना और 5ों को कपड़ा देना। दिल्ली केंद्र सरकार, राज्य सरकार सोचे कि कैसे एक चाय की छोटी मोटी दुकान है उस खाली करने का क्या कारण बताया? कारण ये बताया गया कि जल्दी खाली करो नहीं तो बुलडोजर लग जाएगा, कल तोड़ दिया जाएगा। अरे शनिचर हाफ था, आतवार साफ है, सोमवार को बाप और बाप होगा तो 2 दिन बंद रहेगा और बस इनके वाली इनके काम हो जाएंगे। सरकार जहाँ झुग्गी वहीं मकान बोलती है, और वहीं पर जहाँ आपकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। हाँ सर, क्या ओ, ये इसलिए कह रहे हैं कि कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ना झुग्गी रहेगी और ना मकान मिलेगा और ना किराया होगा, घर जाओ रोड पर तड़प कर मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप क्या करने वाले हैं? आप यहाँ से जाने वाले हैं? जाएंगे तो नहीं, तुम्हारे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, झोली भर के जाऊँगा या मर के जाऊँगा। मेरा नाम नीलम है। कब से रह रही हैं? मैं तो बहुत दिन से रहा हूँ, 30 साल हो गया हमको। यहीं रहती है आप? जी हाँ। नोटिस आ गया, अब क्या क्या प्रतिक्रिया आपकी? आप कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं देखने आई। आपकी कॉलोनी में भी आया? हाँ जी जी। वहाँ पर कब चलने वाला है, कुछ बताया गया आपको? अभी तो कुछ नहीं बताया, मेरा कॉलोनी में तभी कुछ बात नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी लोग डर में होंगे? डर में है, ये बगल में है तो डर रहेंगे। यहाँ पर सभी कॉलोनीज पर ऐसे बुलडोजर एक्शन का नोटिस आया? तो हमारा कहना सबसे पहले ऑर्डर करो स्कूल पर और सरकारी हॉस्पिटल पर, पहले उसे तोड़ दो, ना पब्लिक रहेगा, ना हॉस्पिटल जाएंगे, ना बच्चे पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले ऑर्डर वही करो, पहले स्कूल तोड़ दो। आपके बच्चों की भी पढ़ाई पर असर? हाँ हाँ जी, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, सभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ गरीब के बच्चे यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पैसे वाले बच्चे नहीं रह रहे हैं। मैडम सर आप कहाँ जा रहे हैं? घर खाली करके जा रहा हूँ। आप कब से रह रहे थे यहाँ पर? मुझे तो 20 साल हो गए मुझे मेरे इससे। कोई आपको उम्मीद नहीं लगती कि यहाँ पर रोक दिया जाएगा या एक्शन या आपको यहाँ रहने दिया जाएगा? कोई उम्मीद नहीं है। सर आप भी खाली कर रहे हैं? हाँ मैम हम भी खाली कर रहे हैं। कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही आपको? कुछ नहीं, अब कुछ मिलने वाला नहीं। किसी तरह से मदद की कोई आशंका नहीं? माया देवी। कब से रह रही हैं? मैं तो 50 साल से हूँ यहीं पर। आपने भी खाली करने का तैयारी कर ली? मैं तो मेरा सामान यहीं पर सब लिया कर रखी हूँ। पलायन करने को कह दिया गया आपको, मतलब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही अब आपको? नहीं कोई उम्मीद नहीं है। फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में बहुत लोग हैं, 2 हम लोग फैमिली रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रह रहे हैं? हाँ यहीं पे हम लोग हैं। तो अभी बस कहाँ जा रहे हैं अब इसके बाद? अब जाएंगे कहीं किराया देखेंगे अपना। आपका नाम? कुसुम देवी। आप कब से रह रही हैं? हमको हो गया 5 साल। आप भी यहाँ से खाली कर रही हैं? हम भी कर रहे हैं। आपको भी कोई उम्मीद नजर नहीं? मैं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। नेता वगैरह आया आप लोगों को आश्वासन? नहीं कुछ नहीं देने आया। अब यहाँ से आप पलायन कर रहे हैं, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे, रोड पर खड़े रहेंगे, हमारा आदमी मरीज लेकर हूँ मैं, रोड पर खड़े रहेंगे कहाँ रहूँगी? रोड पर रहने की नौबत आ गई? वो नौबत आ गई, क्या करूँ। अब यहाँ लोगों को कहना है कि 1980 से जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी यहीं पर रह रही है, तब एक्शन लेने के बजाय जो है सरकार अब एक्शन ले रही है जब इन लोगों की बसावट हो गई है यहाँ पर, बाकायदा इनसे वोट लिए जाते हैं, इनके वोटर आईडी बने हुए हैं, इनका बिजली का बिल यहाँ पर आता है, यहाँ पर बच्चों की भी शिकायत है कि उनकी पढ़ाई पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, उनके बोर्ड्स भी हैं और इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और यहाँ पर लोग डर के मारे जो है यहाँ पर अपना सामान जो है आप देख सकते हैं खाली करने पर लगे हुए हैं, सब यहाँ पर अपने घर खाली कर रहे हैं और यहाँ से जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इन लोगों को ऐसे ही अपने घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा या फिर शायद किसी सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन मिले यहाँ पर रोक दिया जाए, जो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।